हेलो गाइस, तो नमस्कार। तो एक बार दोबारा से आप लोगों का स्वागत है हमारे मिनी ब्लॉग में। तो गाइस, ओम साई राम। मैं और विशाल जा रहे हैं आज साई मंदिर। तो विशाल हर हफ्ते साई मंदिर जाता है, तो मैंने उसको बोला आज मैं भी तेरे साथ चलूँगा। तो हम जा रहे हैं वहीं साई धाम, साई मंदिर। तो गाइस, अभी हम फिलहाल निकल रहे हैं अपनी मार्केट से, इंदुपुर मार्केट से, और शाम का टाइम है, 8 बजे का टाइम है। तो मार्केट के अंदर बहुत रश होता है इस टाइम हमारी मार्केट में इंदरपुरी की। तो ये देख लीजिए पूरी हमारी मार्केट कितनी सुंदर मार्केट है। और हमारे इस मार्केट में आपको कुछ भी चाहिए तो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है बहुत ही अच्छे प्राइजेस पर, छोटी से बड़ी चीज़ बहुत ही। और यहाँ पर दिवाली पे आपको पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी हमारी मार्केट के अंदर। और यहाँ पर जा रहे हैं हमारे साथ कमलेश भाई, जो कैपिटल फाइनेंस करते हैं। और अभी हम मार्केट से बाहर निकल रहे हैं अपनी मेन रोड की तरफ, और थोड़ा सा रास्ता हमारा दूर था तो यहाँ पर हम आ गए हैं रोड पर। तो शाम का टाइम है और रोड्स पर रश ही रहता है इस टाइम। तो हम बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, अपने साईं मंदिर की तरफ। और मुझसे यहाँ इंतजार नहीं हो पा रहा था, मैं सोच रहा था जल्दी से अपने साईं बाबा जी से मिलूं, और मोड़ ही मोड़ आए जा रहे थे। और एक तरफ रश था और हमारी वाली साइड पर अभी फिलहाल खाली पड़ा हुआ है रोड। और थोड़ी देर बाद ही हम पहुंच गए अपने साईं धाम पर। तो यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करते हुए हम आगे बढ़े मंदिर की तरफ। तो ये देख लीजिए हमारे साईं बाबा जी ने हमें दर्शन दे दिए हैं। यहाँ पर हम शूज उतार रहे थे तो साथ ही उन प्रसाद ले रहे हैं उनके लिए। और अब आगे बढ़ रहे हैं हम अपने साईं बाबा जी के पास, साईं जी के दर्शन के लिए। और देखिए कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है उनका। जय ओम साई राम, जय ओम साई राम। तो यहाँ पर मथा टेकते हुए, यहाँ उनका शयन कक्ष था, बना हुआ था बहुत ही सुंदर। ये शयन कक्ष बना हुआ था मंदिर के अंदर, और ये देख लीजिए। और यहाँ पर हम तिलक और उनका प्रसाद लेते हुए साईं बाबा जी का, और आगे बढ़ गए हम फिर दूसरे मंदिर की तरफ। मतलब उसके साथ ही दूसरा मंदिर बना हुआ था, तो ये भी बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ था देखिए। और ये यहाँ पर हमारी विराजमान थी वैष्णो माता, और उनके साथ थे गणपति जी और हमारी लक्ष्मी माता जी। तो गाइस, इतनी सुंदर पोशाक के हमारी माताओं को और देवताओं को पहना रखी थी, तो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे थे। और थोड़ी सी हम आगे बढ़े तो हमें मिल गए राम लक्ष्मण सीता जी और राधे कृष्ण जी। सब इतने सुंदर प्रतीत हो रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा और आगे हम बढ़े तो हमें मिल गए हमारे भोलेनाथ, जो बहुत ही भोले होते हैं, और इनकी पोशाक देखते ही बनती थी। और यहाँ विशाल कर रहा था उनके चरण स्पर्श, और मैंने भी उन साथियों उसके किए चरण स्पर्श उनके। और फिर हम बढ़ गए आगे, और आगे हमें मिली मनसा देवी, हमारी माता मनसा देवी। और उनके साथ ही थोड़ी सी आगे थे हमारे नंदी जी। तो नंदी जी के कानों में और उनकी अगर घंटी हम बजा देना तो बोलते हैं कि भाई सारी हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो थोड़ी सी और आगे बढ़े तो हमें मिल गए सारे देवता गण, शनि जी, राहु केतु जी, जो एक साथ बैठे हुए थे। और यहाँ साथ में उनकी थी एक माता रानी की फोटो। और थोड़ी सी और हम आगे तो यहाँ ये बाबा जी बैठे हुए थे। तो हमें मुझे लगता है कि ये शायद मंदिर का निर्माण इन्होंने ही किया था। तो उसके बाद साथ में ही एक
रास्ता जा रहा था जो थोड़ा सा मंदिर की बाहर की तरफ जा रहा था, तो मैं देखता हुआ जा रहा था। यहाँ पर विशाल को तो भाई ये कौन से रास्ते पे ले जा रहा है अंधेरे के अंदर। तो शायद मैं भी हो सकता था कि भाई काफ़ी प्राचीन शायद बना हुआ मंदिर है ये, तो वहाँ पर शायद मुझे ले जा रहा पीछे की साइड बैक साइड पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर कालका माई जी बैठी हुई थी। तो ये कालका माई के दो स्वरूप थे, तो ये काली माता हैं और साथ ही इस की मूर्तियों के साथ ही एक बहुत ही प्राचीन बरगद का पेड़ था। तो बरगद पेड़ के नीचे हमारे बैठे हुए थे यहाँ शिव जी शिवलिंग रूप में। तो उनके चरण स्पर्श करते हुए हम बढ़ गए आगे की तरफ। तो गाइस ये वाला ब्लॉग हमारा यहीं तक था, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये वाला ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में सबको जरूर बताइए हमें। ओम साई राम, टाटा बाय बाय।